बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल पर रविवार को प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के बारे में जो दिखाया जा रहा है उस पर मैं विश्वास नहीं करती। एग्जिट पोल बिल्कुल अस्पष्ट और फर्जी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल में बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को भारी बढ़त मिलने का दावा किया गया है। ममता ने एक स्थानीय चैनल से बात करते हुए इस पर आश्चर्य जताया और तृणमूल कार्यकर्ताओं से मजबूती से डटे रहने का आह्वान किया। ममता ने दावा किया कि उनकी पार्टी टीवी पर दिखाए जा रहे आंकड़ों से दोगुनी सीट जीतेगी। तृणमूल को कुल कितनी सीटें मिलेंगी, इस सवाल पर ममता ने कहा कि अभी मैं किसी संख्या में नहीं जाऊंगी। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से गणित लगाने के लिए कहूंगी, जिस तरह से हमने हर क्षेत्र में काम किया है और चुनाव के दौरान हर जगह हमने भारी भीड़ और प्रतिक्रिया देखने को हमें मिली है, उससे मुझे नहीं लगता कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया होगा। वही टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले ने भी एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम इस बात से तय होते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, ना कि इस बात से कि भाजपा और उनके मीडिया मित्र क्या उम्मीद करते हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए एग्जिट पोल के आंकड़ों को साझा करते हुए कहा कि एक नहीं बल्कि 10 एग्जिट पोल ने भाजपा के पक्ष में भविष्यवाणी की थी, लेकिन अंतिम परिणाम में टीएमसी 215 जबकि भाजपा मात्र 77 सीटें जीती थी। उन्होंने बंगाल में टीएमसी की जीत का विश्वास जताते हुए कहा कि 4 जून का इंतजार करें।